ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे अलग अलग छात्र संगठन NSUI और ABBP आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार करने लगे। उन्होंने विश्वविद्यालय कैंपस को रणक्षेत्र में तब्दील कर दिया। हालात बिगड़ते देख मौके पर पुलिस भी पहुंची और प्रदर्शन कर रहे छात्र पर जमकर लाठी चार्ज भी की। पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ खदेड़ कर पीटना शुरू किया, तब अंत में छात्र कैंपस से बाहर निकले। पुलिस के लाठी से कई छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के चुनाव में छात्र संघ के अध्यक्ष बनी ABBP की मधुमाला के खिलाफ इन दिनों छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि अध्यक्ष मधुमाला गलत तरीके से PG गणित भाग में नामांकन कर छात्र संघ का चुनाव लड़ी और अध्यक्ष भी चुनी गई। यह पूरा मामला सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवालों के जवाब में आया, जिसके बाद से लगातार दूसरे सभी छात्र संघ इसके खिलाफ बिगुल फूंक दिए और अध्यक्ष पद से उसे बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर उतारू भी हैं। इधर दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर ने भी माना कि इन दिनों पढ़ाई के बदले राजनीति का खारे का केंद्र बन गया है। छात्र संघ के चुनाव में फर्जीवाड़े को लेकर अलग अलग छात्र संगठन आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हो हल्ला के साथ विश्वविद्यालय के सभी विभाग में तालाबंदी कर कामकाज पूरी तरह ठप कर देते हैं। एक दिन पहले ही एक छात्र संगठन ने इसी मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय के प्रोक्टर के मुंह पर स्याही फेंक कर भाग निकला था। हालांकि इस मामले में उन सभी छात्रों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज की गई है। जो आज प्रदर्शन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? पुलिस आई थी, क्या आप लोग की तरफ से व्यवस्था किया गया है? नहीं, कल की घटना की जानकारी आप लोग स्वयं देने वाले हैं। बिना पूर्व सूचना के कुछ छात्र, हम कह सकते हैं कि पेशेवर छात्र आए, बिना पूर्व सूचना के तालाबंदी कर दिए, सरकारी कामकाज को बाधित करना, परीक्षा विभाग में तालाबंदी कर दिए, सभी विश्वविद्यालय के हर ऑफिस में तालाबंदी करने की कोशिश करते हैं, तालाबंदी कर देते हैं। और बिहेवियर जो रहता है किसी भी तरह छात्र के जैसा नहीं होता है। ये कौन सा नियम पर नियम जो है उसको ये अधिकार देता है कि आप तालाबंदी कर दीजिए? बाय चांस आपको वाइस चांसलर रजिस्ट्रार पदाधिकारी अंदर में काम कर रहे हैं और बाहर से ताला लगा देते हैं। कोई मांग रखते हैं तो मांग की एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत ही सुनी जा सकती है। एक हारे हुए जो छात्र संगठन है वो कहते हैं कि जो अध्यक्ष के एडमिशन गलत है, तो उसके लिए बना हुआ एडवांस रजिस्टर सेल है, फिर एडमिशन कमेटी है, और हाथों हाथ किसी को ये आदेश नहीं दिया जा सकता है। उसकी प्रक्रिया जिस दिन से विश्वविद्यालय को सूचना मिली है उस दिन से तत्पर है, लगातार विश्वविद्यालय से शीघ्रतापूर्वक काम करती आ रही है। एक शो कॉज विद्यार्थी की तरफ से, ये विश्वविद्यालय की तरफ से मधुमाला को पूछा गया जवाब देने के लिए, उसने उसमें समय मांगा कि ये पत्र मेरे पास अवेलेबल है, विश्वविद्यालय का पत्र है, मुझे इसके लिए जवाब देने के लिए समय चाहिए। कमेटी के वहाँ से सोशल की मीटिंग हुई, उसमें भी ये नहीं 23 तारीख तक का समय दिया गया। अब इसको लेकर के आपे से बाहर हो गए और फिर तालाबंदी कर दिए घेर के, तो ऐसा तो विश्वविद्यालय जब ये तो प्रशासन चल रहा है ठीक से। आप एक मैं गर्व की बात है कि बहुत दिनों बाद मिथिला विश्वविद्यालय में सेशन रेगुलर हुए हैं। दीक्षांत समारोह एक हो चुका है, फिर होने जा रहा है जिस दिन से हम लोगों की पूरा रेगुलर ये सब कुछ हो जाएगा। छात्रों शिक्षकों की कमी है तो आप देखते हैं गेस्ट टीचर से लेकर BPSC से टीचर है, कुछ हद तक पूरा हुआ है। तो विश्वविद्यालय के जो अपने हाथ में है वो कर रही है। अब हम इसको किसी टारगेट बना के या किसी राजनीति के तहत या किसी को हो सकता है कोई पदाधिकारी पसंद हो ना पसंद हो, इस आधार पर कालिख को देना, कालिख फेंक देना, वो भी स्टाम्प का स्याही जो कि अपने आप में जो है सो एसिडिक जैसा लगता है आंख पर में, और साधारण नॉर्मल बातचीत, कोई एक तनाव भी होता है, कोई डिस्कशन भी होता है, बहुत सारे लोग आप लोग थे, और उसको फेंक देना, ये गुंडागर्दी नहीं तो इसको क्या कहा जा सकता? निश्चित रूप से वो छात्र नहीं होगा, छात्र होगा तो उसका स्वरूप छात्र वाला कहीं से नहीं है।